हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी को अगर ठंड लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, जिससे आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी एकदम टाइम पर मिल जाएगी। बेल बटन को भी हिट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेबी को ठंड लगने पे हम क्या करें, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेबी के अंदर ठंड जाती कैसे है। तो एज द न्यू पेरेंट हमको कई चीज़ें समझ में नहीं आती है और हम बड़ों के जैसे ही छोटे बच्चों में डील करते हैं। हमें क्या लगता है कि बच्चों को ज़्यादातर ठंड चेस्ट में से जाती है, इसलिए हम बच्चों को एक मोटा सा स्वेटर पहना देते हैं और हमें लगता है कि अब बच्चे में ठंड नहीं जाएगी। बात सही है, बच्चों को चेस्ट के थ्रू भी ठंड जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंड बच्चे को उसके सिर, उसके कान, नोज़ एंड सोर्स, हाथ और पैर के सोर्स के थ्रू जाती है। तो इसलिए आप बच्चे को हमेशा उसका सिर और कान ढके रहो। और अब उसके लिए हम कैप तो पहनाते हैं बच्चों को, बट क्या होता है कि बच्चे खेल खेल में वो कैप निकाल देते हैं और उसके कान खुले रह जाते हैं, कई बार सिर खुले रह जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी कैप का यूज़ करो जिससे उसका जो सिर है वो भी ढका रहे और उसके कान भी फुल्ली कवर्ड रहे, जिससे बच्चे में ठंड ना चली जाए। दूसरी जो चीज़ है कि बच्चे के हाथ में, आप हमेशा बहुत ठंड है तो सॉक्स पहना के रखो हाथ और पैर में, और अगर टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है तो आप थोड़ी देर सॉक्स निकाल दो, पहना दो, ऐसे कॉम्बिनेशन में ट्राई करो। लेकिन आप ये चीज़ भी ध्यान रखो कि उसके हाथ और पैर के जो तलवे हैं वो भी गर्म रहने चाहिए, जिससे उसकी बॉडी में हीट बनी रहे। तो तीसरा है कि नाक के थ्रू बच्चे में ठंड बहुत जाती है, तो वहाँ तो हम कुछ पहना भी नहीं सकते हैं। तो आप क्या करते हो, थोड़ी थोड़ी देर में अपना हाथ गर्म करके आप बच्चे के यहाँ पर रब करते रहो, इससे भी ये एरिया उसका गर्म रहेगा और उसके थ्रू उसके बॉडी में हीट बनी रहेगी और ठंडी नहीं जाएगी। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है कि बच्चे की बॉडी में तो सब कुछ सही होता है, लेकिन ज़्यादातर उसको जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं उनको सब कुछ ट्रांसफ़र उनकी मदर के थ्रू होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप खुद नर्सिंग मॉम हो 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली मैं ये बता रही हूँ जो ब्रेस्ट फीड पे ही है, तो आप अगर नर्सिंग मॉम हो तो आप खुद ठंडी चीज़ें कम खाएं। अगर फ्रूट्स वगैरह भी खा रहे हो ठंडे फ्रूट्स, तो आप ट्राई करो कि आप ब्रंच तक ले लो उसे, जिससे बच्चे को ठंड ना लग जाए। और भी कोई ठंडी चीज़ें खा रहे हो तो आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लो। आप अपना ध्यान रखो कि आपको ठंड वगैरह ना लगे, तो अगर आप सही रहोगे तो बच्चे को भी वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। और कभी भी आप खुद नहा के या हेयर वॉश करके तुरंत से बेबी को फीड ना करवाओ, उससे भी बच्चे को कई बार ठंड लग जाती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि इंडिया में क्या होता है कि ज़्यादातर मॉम्स बच्चे को रात को ही डायपर पहनाती है और दिन में नैपीज में ही रखती है। इवन मैं भी यही करती थी रियांश के साथ, लेकिन विंटर के डेज़ में मैं रियांश को हमेशा फुल डे डायपर में रखती थी, क्योंकि क्या होता है कि हम कितना भी ध्यान रख ले, लेकिन बच्चे विंटर में इतना पी करते हैं कि कई बार वो फिर उनकी गीली नैपीज में ही रह जाते हैं और उसके थ्रू उनके बॉडी में ठंड चली जाती है। तो आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि आप नैपी में ना रखो और विंटर के डेज़ में आप फुल डे उससे डायपर में रखो, और डायपर में भी आफ्टर एवरी 3-4 आप उसका डायपर चेंज कर लो, जिससे उसकी बॉडी में ठंड ना लग जाए। तो ये थी कुछ मेथड जिससे हम बच्चे में ठंड जाने से रोक सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि बच्चे को ठंड लग रही है, ये हमें कैसे समझ में आएगी। तो जो आपके पीछे की स्किन है उससे आप बच्चे के जो पाम है वहाँ का टेम्परेचर देखो और उसके टमी पे टेम्परेचर देखो। अगर दोनों टेम्परेचर सही है तो बच्चे को ठंड नहीं लग रही है, लेकिन आप बच्चे के यहाँ पे पाम पे टच कर रहे हो और टमी पे टच कर रहे हो और टेम्परेचर अलग है, मतलब बच्चे को ठंड लग रही है, तो आप उसको एक्स्ट्रा लेयर पहनाना चालू कर दो, जिससे उसको ठंड नहीं लगेगी। और इसके अलावा दूसरे तो विजिबल रीज़न सिम्टम्स होते ही है, जैसे अगर बच्चा कांप रहा है, उसको सर्दी खांसी हो चुकी है, फीवर हो गया है, तो हम समझ ही सकते हैं कि उसको ठंड लग रही है। तो अब जानते हैं कि अगर बच्चे को ठंड लग गई है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है बच्चे को आप जो कपड़े हैं उसके लेयर्स बढ़ाना स्टार्ट कर दो। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बच्चे को एक मोटा स्वेटर पहनाने से अच्छा है कि उसको लेयरिंग में कपड़े पहनाओ, जिससे उसकी चेस्ट ढकी रहेगी और उसके थ्रू ठंड बॉडी में नहीं चली जाएगी। तो बच्चों को अपने जितने लेयर पहनाए हैं उसमें 1-2 लेयर ज़्यादा पहना दो, उसके हाथ पैर में सॉक्स पहना दो, उसको कैप पहना दो, कान ढक दो और हो सके उतना उसको कवर कर दो, कंबल वंबल से ढक दो, जिससे बॉडी में हीट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और उसको ठंड लग रही है तो टेम्परेचर बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ आप कर सकते हो वो है कांगारू केयर मेथड।
ये मेथड में क्या होता है कि कांगारूज अपने बेबी को कैसे वॉर्म्थ देते हैं, तो वो अपनी बेबीज को अपने आप पे चिपका लेते हैं, इससे उनकी बेबीज को वॉर्म्थ मिलती है। तो वैसे ही हमें करना है कि आप अपने बेबी को आपके चेस्ट पे एकदम हगिंग पोजीशन में रख दो, आपकी बॉडी की जो हीट है वो बच्चे को जाएगी और इससे एकदम फटाफट से उसकी बॉडी में हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और बच्चे की में जो ठंड घुस गई है वो टेम्परेचर बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेथड मैंने मेरे अपने मास्टर्स में अमूल का एक NGO है उसमें मैं इंटर्नशिप करती थी तब मैंने सीखी थी और आज ये मेरे बेटे पे मुझे काफ़ी वर्क की थी रियांश के विंटर के डेज में। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये डेफिनेटली आपको भी हेल्प करेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि ब्रेस्ट फीड भी बच्चों में काफ़ी हीट जनरेट करता है, तो आप बच्चे को हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करवाओ और थ्रू ब्रेस्ट फीड आप बच्चे को हो सके उतनी अपनी हीट, बच्चे को हो सके उतना आप अपना वॉर्म्थ देने की ट्राई करो, अपनी बॉडी की हीट दोगे तो वैसे भी बच्चे का बैलेंस हो जाएगा, हीट उसका टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। तो थ्रू ब्रेस्ट फीड और आपकी वॉर्म्थ से भी बच्चे का बैलेंस हो जाएगा टेम्परेचर। तो तीसरा पॉइंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाओ। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि मस्टर्ड ऑयल बहुत गर्म होता है तो तुरंत से आप मस्टर्ड ऑयल का बच्चे को मालिश करना स्टार्ट कर दो, उसके हाथ पैर उसके चेस्ट बैक सिर पे थोड़ा मालिश कर दो, इससे बच्चे में तुरंत से वॉर्म्थ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, हीट जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और हाथ पैर पे आप बच्चे को सॉक्स पहना दो जिससे उसकी हीट लॉक हो जाएगी। और इस टाइम पे आप ध्यान रखो कि फैन या बाहर की हवा का एक्सपोजर बच्चे को ना लग जाए वरना इसकी फिर उल्टी असर बच्चे पर हो जाएगी। इसके अलावा आप जो 6 महीने से बड़े बच्चे हैं उन्हें आप गरम गरम सूप, गरम खिचड़ी, गरम पानी, गरम हल्दी वाला दूध, ये सारी चीज़ें आप 6 महीने से बड़े बच्चों को दे सकते हो। 6 महीने से बड़े बच्चों को आप कोई भी गर्म चीज़ दोगे तो तुरंत से उनकी बॉडी का हीट बढ़ते रहेगा तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पर जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं उन्हें आप कुछ नहीं दे सकते हो तो उनका आप स्पेशली ध्यान रखो। और इसके बाद जो एक चीज़ है वो है कि वैक्सीनेशन, अगर बच्चे का विंटर में कोई भी वैक्सीन आ रहा है तो उसे टाइम पे दिलवा दो, ये भी बच्चे में कोई भी तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम आने से ही रोक देगा, बच्चे को ये ठंड वंड लगेगी ही नहीं। अगर उसकी इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रांग है तो बच्चे को इधर सारी जितनी प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अगर वैक्सीनेशन आ रहा है बच्चे का विंटर में है या पहले के भी है तो वो टाइम से उसे लगवा दो तो उससे भी आप बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब डॉक्टर को आप कभी कंसल्ट कर सकते हो, तो अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली है तो भी बच्चे में फीवर है, कोल्ड कफ ठीक नहीं हो रहा है, वो दूध नहीं पी रहा है, वो रो रहा है तो भी उसके आँख में से आंसू भी नहीं आ रहे हैं, तो आप तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करो। क्योंकि इस केस में क्या होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई तो उसे ट्रीट करने में बहुत लंबे टाइम चले जाएगा और बच्चे में रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम दिख रहे हैं तो आप तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करें। आई होप वीडियो यूजफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और इस वीडियो को और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करें और उनकी भी हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।